हेलो एंड वेलकम टू स्टडी नॉर्म्स। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशंस आते जा रहे हैं। आप भी सुनते जा रहे होंगे, डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स, डिफरेंट टीचर्स आपके साथ ये डिस्कशंस कर रहे हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशंस जो है, मुझे भी लगा आपके साथ करनी है, वो है आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, जो बच्चे नए हैं उनको इस क्राइटेरिया का नहीं पता होगा, जो पुराने हैं उनको तो पता है इस क्राइटेरिया क्या क्या होता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपकी हाइट कितनी होना चाहिए, आपका वेट कितना होना चाहिए और क्या क्या फिजिकल स्टैंडर्ड्स, फिजिकल एलिजिबिलिटी जो है वो आपको पोसेस करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, दौड़ लगानी तो दौड़ कितनी होनी चाहिए, ठीक है, पुशअप्स होंगे या क्या होगा, लड़कियों के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस तो दोस्तों अलग ही वीडियो बनती है, उसको हम अलग ही बनाएंगे। तो इस वीडियो में हम वो सब बातें जो है डिस्कस करेंगे और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कॉन्स्टेबल की रिक्रूटमेंट में कुछ जो कमियाँ पेशियाँ होंगी, ठीक है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। वो मैं आपको बताऊंगा अभी किस तरीके से। तो हम इस पर्टिकुलर वीडियो में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है देखने लेंगे। ठीक है, आपके सामने मैं लेके आया हूँ एक पुरानी रिक्रूटमेंट, बिकॉज अभी तक ऑफिशियली ये नहीं आपको बताया गया कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट बिलीव मी 100% श्योरिटी के साथ माइनस माइन्यूट चेंजेस आ सकते हैं, बट मेजॉरिटी में जो चीज़ें होंगी वो सेम होगी। दोस्तों, सिलेबस में भारी चेंजेस आपको देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू प्रीवियस सिलेबस, चेंजेस आएगा, बट फिजिकल क्राइटेरिया और आपकी एज, इन सब चीज़ों में ज़्यादा चेंजेस नहीं आने वाली, कमी चेंजेस आएगी। तो हमारे पास ये आपका, ये भी जम्मू एंड कश्मीर कांस्टेबल का ही है रिक्रूटमेंट हमने लाया है, इससे हम बात करेंगे क्या क्या चाहिए। देखो, हम बात करेंगे पहले नंबर एज, एज क्या, चलो मैं आपको इससे पढ़ के ही बताता हूँ डायरेक्ट, ठीक है, इससे आपको डायरेक्ट पढ़ के बताता हूँ। देखो, नंबर वन आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दोस्तों वेरी सिंपल, 10वीं पास। अगर आप 10वीं पास हो, यू आर एलिजिबल टू फिल योर फॉर्म, तो आप अपना फॉर्म जो है भर पाएंगे। फॉर्म कब निकलेंगे वो हम आपको बता देंगे। आप यूट्यूब चैनल स्टडी नॉर्म्स को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लें, एप्लीकेशन को भी हमारे डाउनलोड कर लें, क्योंकि बड़े सारे इनिशिएटिव्स जो हैं हम लाते रहते हैं, ठीक है। और फ्यूचर में अगर आपको कोर्स की ज़रूरत भी पड़ेगी तभी भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, कंपलसरी नहीं है, नहीं लेना तो मत लें, यूट्यूब पे भी आपको डिफरेंट सोर्सेज मिलेंगे। लेकिन हाँ, एक बात आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आपको बोलना चाहूँगा, ठीक है, मेरी बात समझे, अभी सिर्फ और सिर्फ नोटिफिकेशन आई है। क्या आप नोटिफिकेशन आई थी पीछे से बोला जी, रिजर्वेशन पॉलिसीज में जो जो चेंजेस आए, अब नई जो वैकेंसी आएगी वो इस अकॉर्डिंगली आएगी, सिंपल ये बात बोली गई थी, ठीक है। अब आपको बड़े सारे यूट्यूबर जो होंगे वो बोलेंगे जी कोर्स ले लो, कोर्स ले लो, कोर्स ले लो। नो डाउट आपको कोर्स लेना है, आपको कोर्स लेना है, हमने भी बनाया है, आप हमारा भी ले सकते हैं। अब सुने मेरी बात, लेना कैसे है कोर्स, पहले ये समझना। पहले आप अच्छे से उनका कंटेंट को देखना, कंपेयर करना, ठीक है जी, कंपेयर करना। प्राइजेस को छोड़ दें, प्राइजेस पे मत जाना, कंपेयर करना कंटेंट। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी को 1000 रुपये भी दिया है तो 1000 रुपये की उसकी वर्थ होनी चाहिए, ठीक है। आपको अगर उसने बोला टेस्ट मिलेगा, टेस्ट भी देखना उनका कैसा मिलेगा। ये नहीं हो गया आपको 120 नंबर का फुल लेंथ टेस्ट आना तो आपको 20-20 सवाल दे रहा है जी, बड़े खुश हो रहे जी 10 टेस्ट दे दिए ना, वो भी कंटेंट आपको देखना। पुराना तो नहीं दे दिया, पुराना क्योंकि 4-5 साल पहले वीडियो बनाई होगी, उसको अपडेट किया नहीं, तब बोलेगा जी 100 नेशनल पार्क है, आज हो चुके हैं 106 नेशनल पार्क, तो वो क्या हो रहेगा, आप उधर से आपका काम खराब हो जाएगा। अब जो लेटेस्ट एडिशन हुई है, करंट अफेयर कौन ऐड करेगा, वो नहीं होगा। अगर आप पुराना कॉन्टेंट लेंगे उसको पहले आप चेक करें, देखें, समझें, उनके साथ बात करें, फिर कोर्स में जाना, जल्दीबाजी मत करना, ठीक है। चलो, बिकॉज पैसे आपको पता है मेहनत की कमाई के हैं, आपके होंगे या आपके पापा के होंगे, मम्मी के होंगे, तो ज़ाया मत करना, ठीक है जी। काउंसलिंग के लिए आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, डोंट वरी। अच्छा, तो क्वालिफिकेशन आपके क्या होगी, 10वीं पास, भाई चलो जी बहुत बढ़िया जी, 10वीं वाले पास बच्चे भी गवर्नमेंट जॉब ले पाएंगे अभी, अच्छी बात है। एज की बात करते हैं, एज दोस्तों, एज जो है आपकी कम से कम 18 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 28 साल, ये पिछली है, अभी भी सेम ऐसा ही होना है। आपकी कम से कम एज 18 साल और मैक्सिमम एज आपको देगा 28 साल, लेकिन ये बात हो जाएगी गलत, बिकॉज 28 साल की जो एज है मेरे हिसाब से ये कम एज है। कम एज क्यों है, क्योंकि पिछली वैकेंसी आ रही है 2016 में, तो 2016 से 24 तक हो गए 8 साल, तो 8 साल कोई वैकेंसी नहीं आई, तो जब 8 साल कोई वैकेंसी नहीं आई तो 8 साल में ये बच्चा जो है ये तो बेचारा बूढ़ा हो गया, अब ये कैसे फॉर्म भरेगा। अगर 28 साल है
ठीक है। तो डोंट वरी, हम आपके साथ है इस बात में, ठीक है। हम आवाज उठाएंगे, इसमें एज की रिलैक्सेशन कराएंगे। अगर ये 28 देते हैं तो कम से कम जो है 2 साल की और रिलैक्सेशन तो होनी चाहिए, कम से कम 30 साल की एज इनके होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। सिंपल यूजुअल 18 से 28 आपको देखने को मिल जाएगी, इस पर हम आवाज उठाएंगे। नाउ दोस्तों, इसमें कुछ स्पेशल क्राइटेरिया के लोग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो ऑलरेडी सर्विसेज में है, फॉर एग्जाम्पल कोई SPO हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई आपका वॉलेंटरी होम गार्ड्स है, VHG है, ठीक है, तो इनको एज रिलैक्सेशन जो है मिलती है, ठीक है जी। एक्स सर्विस मैन है, किसी ने आर्मी में सर्व किया है, पुलिस में सर्व किया, रिटायरमेंट ले लिए, उनको एज की रिलैक्सेशन यहाँ पे मिलती है, दैट्स सेपरेट थिंग, उसको आप छोड़ दें। नाउ अगला इंपॉर्टेंट, योर फिजिकल स्टैंडर्ड। देखो आपको कॉन्स्टेबल बनना है, यू हैव टू बी फिजिकली स्ट्रांग, ठीक है, तो फिजिकली स्ट्रांग तो होना ही पड़ेगा, आपका काम ही ये। फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या है देख लें आप, अगर आप मेल की बात करेंगे, हाइट आपकी 5 फुट 6 इंच की हाइट कम से कम आपको चाहिए, 5 फुट 6 इंच कम से कम। फीमेल क्या सर इतनी ही हाइट? नहीं, इनका होगा 5 फिट, ठीक है जी। आप देख लेंगे यहाँ पे कि 5 फुट और 2 इंचेस, यानी कि लड़कों के कंपैरिजन में 4 इंचेस कम, ठीक है। लड़कियों की 5 फुट 2 इंचेस, लड़कों की 5 फिट 6 इंचेस हाइट, 5.5 फुट लड़कों की हाइट जो है ये होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है जी। नाउ दोस्तों, उसके बाद एक चेस्ट का क्राइटेरिया होता है, ठीक है जी। ये नहीं है कि हाँ भाई कांस्टेबल में भर्ती ऐसे दुबला पतला बंदा कांस्टेबल में जाएगा, वो तो नहीं जाएगा, एकदम चौड़ा होना चाहिए बंदा, तो कम से कम छाती कितनी चौड़ी होनी चाहिए वो देखते हैं दोस्तों। आपको पता है 32 इंचेस अनएक्सपेंडेड एंड 33.5 इंचेस एक्सपेंडेड। अनएक्सपेंडेड एक्सपेंडेड मतलब ये, अगर आप यूजुअली ऐसे खड़े होंगे, सिंपली ऐसे खड़े हैं, ठीक है जी, तो आपकी 32 इंच की छाती जो है ये होनी चाहिए, और जब आप उसको ऐसे करके फुलाएंगे, ठीक है, फुलाएंगे छाती इस तरीके से फुलाएंगे, तब आपकी छाती जो है वाइड होके 33.5 इंच जो है ये दोस्तों होना चाहिए, याद रखना, ठीक है। चलो भाई, और यहाँ पे आपको बोल रहा है यहाँ पे लद्दाख और गुरखा कम्युनिटी, अभी तो लद्दाख अलग हो गया, इसको आप छोड़ दें, तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो जम्मू एंड कश्मीर में 32 इंच की छाती आपको चाहिए अनएक्सपेंडेड, एक्सपेंड करके 33.5 इंच, 5 फुट 6 इंच की हाइट चाहिए लड़कों को, 5 फुट 2 इंच की हाइट चाहिए लड़कियों को, सिंपल, ठीक है दोस्तों। नाउ आगे देखेंगे, आगे क्या बोल रहा है आपको, नाउ आगे बोल रहा है आपका रेस वगैरह, ठीक है जी। हाइट होगी आपका, हाइट लेंथ ब्रेथ हो गया। नाउ दोस्तों रेस, आपको एक दौड़ भी लगानी पड़ेगी, सारे के सारे बच्चे ऐसे खड़े कर दिए जाएंगे, दौड़ाया जाएगा, उसमें क्या होगा, आपको कितने मिनट दिए जाएंगे, लगभग 6.5 मिनट का टाइम आपके पास होगा। इस 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर का आपको जो डिस्टेंस है वो कवर करना, 1600 मीटर की दौड़ आपको दौड़नी पड़ेगी दोस्तों, दौड़ आपको दौड़नी पड़ेगी, और वो भी 6.5 मिनट में, ठीक है। चलो यहाँ पे लिखे, फॉर मेल्स रेस होगी कितनी, 1600 मीटर, ठीक है जी। फॉर फीमेल्स, अब लड़कियों को भी 1600 मीटर दौड़ना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, उनको कम दौड़ना पड़ेगा, उनको 1000 मीटर दौड़ना पड़ेगा, यानी कि 1 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा, सिंपल, 6.5 मिनट का टाइम इनको भी मिलेगा, ठीक है जी। इसके बाद दौड़ आपने लगा ली, दौड़ लगाने के बाद लगवाए जाएंगे आपके पुशअप्स। पुशअप्स कितने लगाने हैं दोस्तों? 20। लड़कों को पुशअप्स लगाने, लड़कियों को पुशअप्स नहीं लगाने। लड़कों को क्या लगाने? पुशअप्स। पुशअप कैसे होता है, ठीक है, आपको बोलेंगे अप, तो आपको ऊपर जाना है, देन आपको बोला जाएगा डाउन, तब आप नीचे जाएंगे, ठीक है जी। अप एंड डाउन का एक साइकिल बनेगा, ऐसे आपको 20 साइकिल पुशअप्स लगाने का, 20 साइकिल लगाने पुशअप का, ठीक है। अप डाउन एक हो गया, अप डाउन दो, अप डाउन, इस तरीके से आपको 20 पुशअप्स लगाने हैं, ठीक है जी। यहाँ पे लिखा है, समझ गए, 20 पुशअप्स, ज़्यादा नहीं होते, ज़्यादा नहीं होते, आप एकदम देसी बंदे हो, मेरे को पता है, पुशअप्स तो आप लगा लोगे बढ़िया से, नहीं भी अगर होगा तो आपका जितना टाइम है उसमें प्रैक्टिस करेंगे तो भी आपका हो जाता है, इसका कोई मसला नहीं। मसला टेस्ट का है, मेन इंपॉर्टेंट टेस्ट का है, ठीक है। चलो भाई, अगला है लड़कियों के लिए, देखो लड़कियों के लिए अभी आपके पुशअप्स नहीं होंगे। लड़कियों के लिए क्या होता है, एक बॉल होता है, शॉर्ट पुट बोलते हैं, उस बॉल को आपको फेंकना होता है, ठीक है। उस आपको ये बॉल कितने का, 4 kg का बॉल ये होगा, ऐसे लोहे जैसे का बॉल होगा, कुछ का भी हो, 4 kg का बॉल होगा, आपको उसको थ्रो कर रहे हैं आपको 14.5 फीट उसको दूर फेंकना है, ठीक है जी, 14.5 फीट, ठीक है। तो जो लड़की थोड़ी बहुत भी काम घर का भी करती है, स्ट्रांग थोड़ी सी है, वो इसको आराम से फेंक देगी, ठीक है। चलो भाई, और ऑफ कोर्स उसी को कांस्टेबल भी बनना चाहिए भाई, जिसकी है ही नहीं है, शरीर में दम ही नहीं है, ठीक है जी, दौड़ा उससे जा नहीं रहा, पुशअप इससे लग नहीं रहे, तो उसके लिए तो कांस्टेबल है ही नहीं ना, फिर वो तो जाए ना इस एग्जामिनेशन में,
ठीक है चलो, बिकॉज वो सूट नहीं करेगा आपका बॉडी को, ये हो गया। चलो भाई, तो ये आका आपका हाइट ब्रेथ हो गया दोस्तों। ये सारी चीज़ें करने के बाद, अगर तो आप 18 साल के हो, उससे ज़्यादा 28 से कम हो, ये एज रिलैक्सेशन के बाद मान लो 30 हो गया, ठीक है जी, ये हो गया। 10वीं पास हो, लेंथ ब्रेथ आपकी ठीक है, दौड़ आपने दौड़ ली, पुशअप्स आपने लगा लिए, उसके बाद दोस्तों आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन। समटाइम्स रिटन एग्जामिनेशन पहले भी हो सकता है, कभी कभी पहले भी हो जाएगा, कभी कभी बाद में भी हो सकता है, तो इसका कोई मसला है नहीं है, ठीक है। चलो भाई, वो आपको पता लग जाएगा नोटिफिकेशन में। रिटन एग्जामिनेशन दोस्तों, पिछली बार तो 100 सवाल थे, मे बी इस बार आपका 120 सवाल भी हो सकते हैं, और 120 मार्क्स का आपका टेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। चलो, टाइम जो है आपको 2 घंटे का मिलेगा, टाइम आपको 2 घंटे का मिलेगा, अच्छा खासा टाइम है, अच्छे से अगर आपने तैयारी की है, बड़े आराम से इसको आप कर लोगे, ठीक है दोस्तों। अब इसमें आगे का जो है, ठीक है, 2-4 इंपॉर्टेंट बातें और, यू शुड बी डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के डोमिसाइल हो, जिसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है वो बनवा लें, अगर आप किसी भी कैटेगरी में फॉल करते हो वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट बना लो, बाद में रोते फिरोगे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है जी। तहसील में जाओ, आपके डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी कर दो दोस्तों, सिंपल। चलो, और इस वीडियो में बस इतनी सी बात रखेंगे, सिलेबस मैं आपको अलग से बताऊंगा, और वही सिलेबस आना है, ठीक है जी, वो ही सिलेबस आएगा जो मैं आपको बताऊंगा। थोड़े बहुत चेंजेस इधर उधर हो सकते हैं, यूजुअल वो होते ही हैं। कौन पढ़ाएगा? हम पढ़ाएंगे, प्रैक्टिस हम आपकी करवाएंगे यूट्यूब पे, डोंट वरी, ठीक है जी। बट कुछ चीज़ें एक्सक्लूसिव होती हैं, वो कोर्सेज में ही पढ़ाई जाती हैं, ठीक है। चलो, तो वो हम कोर्सेज भी है, हमारा भी कोर्स है, जिद नाम है, स्टडी नॉर्म एप्लीकेशन है हमारी दोस्तों, मैं लिख रहा हूँ ये, स्टडी नॉर्म्स एप्लीकेशन है। स्टडी नॉर्म्स एप्लीकेशन पे जाएं, कुछ फ्री चीज़ें हैं उनको देखें, एनालाइज करें, कंपेयर करें, यूट्यूब पे हमारी वीडियोस देखें, मैथ्स देख लें, रीजनिंग देख लें, जीके देख लें, जीके तो मैं ही पढ़ाता हूँ, आप सब मेरे को जानते होंगे, जो नहीं जानते वो जाके आप ज्योग्राफी की देख लें, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है वो देख लें, क्लास में ही हम आपको याद कराते हैं, न्यूमरस टॉपिक वाइज टॉपिक हमारे टेस्ट होते हैं, पर्सनल मॉनिटरिंग पे आप होते हो, नंबर आपके पास होता है, आप डायरेक्ट हमें कॉल करते हो, सारी की सारी चीज़ें हम आपकी क्वेरी जो है वो सॉल्व करते हैं। जल्दबाजी में बिल्कुल काम नहीं करेंगे, आप चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे, बेटर चीज़ को चुनेंगे दोस्तों, ठीक है जी। पैसे बड़ी मुश्किल से कमाए जाते हैं, सिंपल। तो इस वीडियो में इतना ही हमने रखना था, लिंक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं हमें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।